अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फिजामना फूड्स। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ी आलू और शिमला मिर्च। उसके लिए हमने आधा किलो आलू लिए हैं, आधा किलो शिमला मिर्च, दो टमाटर, दो प्याज, हाफ़ प्याली घी, अदरक और हरी मिर्चें कटी हुई, 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ज़ीरा। अब प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। नमक डालेंगे, और इसको हम 2 मिनट के लिए नॉर्मल आंच पे रख देंगे। दो मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है, हमने इनको मैश बिल्कुल नहीं करना, ऐसे रखना है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आधा कप पानी डालेंगे। और इसको 5 से 6 मिनट हल्की आंच पे रख देंगे आलू गलने तक। छः मिनट हो गए हैं, आलू अभी पूरी तरह से नहीं गले, हम इनको शिमला मिर्च डाल के 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे रखेंगे, दम वाली आंच पे। और गरम मसाला और काली मिर्च भी डाल देंगे। तीन मिनट हो गए हैं, हरी मिर्चें और अदरक आलू गल चुके हैं, अब हम इसे डिश में डाल लेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है। आज की हमारी रेसिपी तैयार है, आलू और शिमला मिर्च। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।